अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग यूनिट नंबर फाइव द टाइगर। यस्टरडे वी हैव डन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम। टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन पेज नंबर 31। विलियम ब्लेक 1757 टू 1827। विलियम ब्लेक वाज एन इंग्लिश पोइट। विलियम ब्लेक जो है वो एक अंग्रेज शायर थे। 1757 टू 1827 का मतलब है वो उनका लाइफ स्पैन जो है वो बताया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे 1757 का मतलब है वो 1757 में पैदा हुए थे और 1827 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक हो गया। विलियम ब्लेक उनका नाम था जो कि इंग्लिश पोएट थे। पेंटर एंड प्रिंट मेकर, वो पेंटर भी थे जो मतलब पेंट से पेंटिंग करते डिफरेंट, और प्रिंट मेकर या डिफरेंट चीज़ों के वो प्रिंट्स भी बनाते थे या उनकी अशकाल बनाते थे। दिस पोइम इज़ अ लिरिक इन विच ही आइडेंटिफाइज गॉड्स क्रिएटिविटी। ये एक किस्म की नज़म है जिसके अंदर क्या है, उन्होंने क्या बताया है कि गॉड जो है, अल्लाह ताला जो है, वो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे तख्लीक करते हैं चीज़ों को एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के तौर पर, क्योंकि वो आर्ट पेंटर भी थे और प्रिंट मेकर भी थे विलियम ब्लेक। तो उन्होंने उसी चीज़ के मुताबिक अपनी जो है वो पोएम में बताया कि वो कैसे अल्लाह ताला जो है वो एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट भी हैं और चीज़ों को क्रिएट भी करते हैं। ठीक है। इट इज़ हिज आर्ट दैट मेक ब्रिंग्स ब्यूटी एंड हॉरर टुगेदर टू रिफ्लेक्ट द नेचुरल वर्ल्ड। ये अल्लाह ताला की ही क्या कहते हैं खूबसूरती है। इट इज़ ये उन्हीं का ही आर्ट है कि वो कैसे खूबसूरती और डरावनेपन को इकट्ठा करके नेचुरल वर्ल्ड में, दुनिया में दिखाते हैं लोगों को। तो हमने शेर की जो हमने पढ़ी उसमें यही देखा कि उसकी शोल्डर और उसके हैंड एंड फुट और आइज़ और हार्ट के बारे में ऐसे ही बयान किया गया कि हर चीज़ में खौफनाकियत है और लोग जानवर जो है उससे कैसे डरते हैं और वो कैसे जंगलों में दहाड़ता फिरता है और जानवर जो है उसके लिए खाने के खुराक बना दिए गए हैं। ठीक है। तो इसी से पता चला कि विलियम ब्लेक उनकी पेंटर और आर्टिस्ट होने की वजह से उन्होंने जो पोएम लिखी वो भी शेर की जो खूबसूरत बॉडी है उसके ऊपर जो नक्शो निगार बने होते हैं उसको जहन में रखते हुए अल्लाह ताला की कहते हैं तख्लीक को जो है अच्छे तरीके से बयान किया। ठीक हो गया। और जब भी कहीं लिखा हुआ यहाँ पे जैसे किसी शायर या पोएम पोइट की या राइटर के नाम के साथ डेट्स लिखी होती हैं, अगर तो फर्स्ट डेट लिखी है सेकेंड नहीं लिखी, इसका मतलब है फिल वक्त वो या वो अभी ज़िंदा है, और अगर सेकेंड डेट भी लिखी इसका मतलब है उनकी डेथ हो चुकी है और उनका ये लाइफ स्पैन है और फिर अब से उनकी एज जो है वो काउंट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस में एक एक्टिविटी है जिसको हमने सॉल्व करना है, जैसे कि मैच द कॉलम करते हैं। उसको करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या हमारी गाइडलाइन के लिए दिया है। नॉन वर्बल क्यूज़ आर समवन्स एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब बात के बगैर किसी के बॉडी लैंग्वेज को समझना, पोस्चर क्यों कैसे खड़ा है, जेस्चर वो क्या शो करना चाह रहा है और बॉडी उसकी क्या बता रही है। दे हैव डिफरेंट कम्युनिकेटिव फंक्शंस। इन तमाम संबंध के जो एक्सप्रेशन होते हैं चेहरे के हो जाएं, जब बॉडी के हो जाएं या उसके बात करने के स्टाइल हो जाएं, ठीक है, कि तमाम उसकी बॉडी लैंग्वेज कहलाते हैं या उसके जिस्म की बातें कहलाते हैं, कैसे वो अपनी ज़बान हिलाए बगैर। नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब है बात किए बगैर किसी को अगला मतलब समझा देना। दे हैव डिफरेंट कम्युनिकेटिव फंक्शंस, और इनके डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के जो हैं मतलब कम्युनिकेट करना, किसी को अपना मतलब समझाने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ श्रग शोज दैट यू डू नॉट नो और केयर अबाउट समथिंग, अ स्माइल और फ्रोन विंक, टच, स्मेल एंड सैल्यूट और सम अदर बॉडीली मूवमेंट्स। जी यहाँ पे वर्ड यूज़ है श्रग। श्रग का मतलब होता है जैसे हम कंधे झुकाते हैं किसी बात को देखे, भाई आई डोंट लाइक या लाइक। अ श्रग शोज दैट यू डू नॉट नो और केयर अबाउट समथिंग, कंधे झुका के मतलब कि कंधे झुका के ऊंचे करके कोई बात बता देना। स्माइल मुस्करा कर, फ्रोन का मतलब होता है माथे पे जैसे बल पड़ जाना, तेवरी चढ़ा लेना, या आपने मतलब कि आपका जेस्चर या आपका जो है बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही। विंग का मतलब होता है आँख के इशारे से, आँख झपकना या फिर आँख के इशारे से कोई बात किसी को समझाना। टच मैंने छू के बताना है, स्मेल स्मेल करके सूंघ के बताना है, सैल्यूट जैसे हम सैल्यूट फौजी सैल्यूट मारते हैं हाथ के ज़रिए कि भाई आपको ये पसंद है बात के नहीं, ये तमाम जो बॉडीली मूवमेंट्स हैं। ठीक हो गया। श्रग कंधे झुकाना और स्माइल मुस्कराना, फ्रोन तेवरी चढ़ा देना, विंक आंख का इशारा करके बताना जैसे आंखों को झपकते हैं या आंखें खुली बहुत बड़ी करके बात को बयान करते हैं या फिर आंखों से नहीं नहीं कर रहे होते हैं।
टच छू के बताना, स्मेल खुशबू करके, या सैल्यूट या किसी को सलाम पेश करना। तो ये तमाम जो है हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ हैं जो हमें किसी की बात समझाने में मदद देते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस में देखिए, यहाँ पर हमारे पास है मैच द एक्सप्रेशन टू देयर मीनिंग्स इन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन के साथ उनके वर्ड्स को मिलाना है। जब भी आपको बताए सारे यहाँ पे डिफरेंट थोड़े से हैं, इससे आई कॉन्टैक्ट है, हेड नॉडिंग है, वेव हैंड्स है, फिंगर टैपिंग है, बाइटिंग ऑफ नेल्स है। ठीक है, उसको अगले उन्होंने आगे जंबल करके बता दिया उनके मीनिंग्स, उनको हमने मिलाना है कि उसका क्या मतलब होता है। गेटिंग इंपेशेंट वाइल वेटिंग, फेयरवेल, नर्वसनेस, एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है आंख का इशारा। ठीक है, और दूसरा है हेड नोडिंग, सर को हिलाना हाँ की शक्ल में, वेव हैंड्स हाथों को हिलाना, फिंगर टैपिंग हाथ उंगलियों को मतलब कि बजाना, बाइटिंग ऑफ नेल्स नाखून चबाना। गेटिंग इम्पेशन वाइल वेटिंग, जब इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब बेचैनी से जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गेटिंग इम्पेशन वाइल वेटिंग। फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है मतलब कि किसी को आप खुशी से आप को करना कि भाई हाँ ठीक है आ जाओ, या उसकी तरफ हाथ का इशारा करना। नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बेचैनी, मुस्तरिब होना। एग्रीमेंट मान जाना बात किसी की, और कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। अब आई कॉन्टैक्ट देखें इसके साथ किसके साथ मिलेगा, आई कॉन्टैक्ट जो होता है वो जो कॉन्फिडेंट होते हैं वही और आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए बात कर सकते हैं, मतलब आंखें मिला के बात करना आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए। कॉन्फिडेंट, आई कॉन्टैक्ट मिलेगा कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है, इसको अगर आप नंबर वन देते हैं तो आप इसको जान दोनों लाइंस को मिला सकते हैं उसके साथ स्केल और पेंसिल के साथ, या फिर आप उनके ऊपर नंबरिंग लिख दीजिए। मतलब आई कॉन्टैक्ट नंबर वन है तो यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट जो है कॉन्फिडेंट के साथ मिल रहा है। नेक्स्ट है हेड नोडिंग। हेड नोडिंग मैंने हाँ में हाँ सर हिलाना, तो क्या हो जाएगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ मिलेगा मान जाना। ठीक है, हेड नोडिंग एग्रीमेंट, एक राजीनामा हो जाना। वेव हैंड्स, वेव हैंड का मतलब है हाथ के इशारे से किसी को वेव करना या सलाम करना, तो फेयरवेल इसके साथ मिल जाएगा। फेयरवेल में भी यही था कि किसी को मद्दू करना या दावत देना। फिंगर टैपिंग, फिंगर टैपिंग हम करते हैं जब हम क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं या मुस्तरिब होते हैं, जब किसी का इंतजार करें तो ना अचानक खाम खाई हमारी जो उंगलियाँ होती है टप टप आ रही होती हैं, तो ये गेटिंग इंपेशेंट वाइल वेटिंग से मिलेगा। बाइटिंग ऑफ नेल्स का हम करते हैं जब हम नाखून कब काटते हैं, जब हम क्या हो रहे थे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे बॉडी लैंग्वेज के साथ हमारे उसके साथ मीनिंग हमने मिला दिया है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, बाकी जो हमारे उसमें आए थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो ये हो गया हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वेज, कि जब हम मुंह से तो बात नहीं करें लेकिन हमारे जेस्चर्स, हमारे पोस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। आप इसको बार बार पढ़िए, उनके मीनिंग याद कीजिए और इस कॉलम को फिल कर लीजिएगा अपनी बुक्स पे। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।